दोस्तों हम सभी को पता है कि सैमसंग ने लॉन्च कर दिए हैं उसके एम सीरीज, और एम सीरीज में दो नए मॉडल लॉन्च किए हैं जिसका नाम है M10 और M20। लेकिन M20 कैसे बेहतर है M10 से, या फिर आप बोल सकते हो कि आपको M20 ही क्यों लेना चाहिए, M10 नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात कि फोन दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दोनों की जो प्राइसिंग रखी है वो भी बहुत अच्छी है। सो लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जब हम ये फोन परचेस कर रहे हैं, M10 और M20। तो पहला पॉइंट है कि M10 में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनिंग नहीं मिलती, आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा। हालांकि आपको फेस अनलॉक वाला फीचर मिल जाता है, लेकिन आपको M10 में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा, M20 में मिलता है। दूसरी बात, M10 का जो स्क्रीन साइज है उसको है 6.2 इंचेस का और M20 का 6.3 इंचेस का। तीसरी बात, M10 का जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो फुल HD नहीं है, सिर्फ HD है, हालांकि M20 का फुल HD रेजोल्यूशन है। और जो चौथा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जैसे यूजर के लिए, जो लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे दिन भर लगे होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोन की बैटरी। तो M10 में आपको जो बैटरी बैकअप है 3400 मिली एम्पेयर की मिलती है, और दूसरी तरफ मैं बात करूं M20 की तो उसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, और उसके साथ ही साथ आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलता है, वो जो कि एक बहुत अच्छी बात है M20 फोन की। और दोस्तों फोन को फास्ट चलाने के लिए हमें चाहिए एक अच्छा प्रोसेसर, तो इसमें M10 में प्रोसेसर यूज हुआ है एक्सिनोस का 7870 और M20 में यूज हुआ है एक्सिनोस का 7904। ये दोनों प्रोसेसर यूज हुआ है M10 और M20 में। दोस्तों आप फोटो खींचने के शौकीन तो रहते ही हो, सेल्फी खींचना सबको पसंद है, तो M10 में हमें मिलता है 5 MP का कैमरा, और दूसरी तरफ मैं बात करूं M20 की तो उसमें हमें फ्रंट कैमरा जो मिलता है वो 8 MP का होता है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप M10 लेते हो। और दोस्तों अगर मैं बात करूं बैक कैमरा की तो बैक कैमरा दोनों ही फोन में सेम है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और बैक कैमरा का अगर मैं मेगापिक्सल की बात करूं तो 13 MP प्लस 5 MP आता है, और 5 MP जो है वो अल्ट्रा वाइड है, अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये कैटेगरी में, ये प्राइस रेंज में आपको और कोई ब्रांड ये नहीं देता। और दोस्तों अगर सिम कार्ड स्लॉट की बात करूं तो दोनों ही फोन में आपको 2 सिम कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं, और उसके साथ ही साथ आप माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हो इंटरनल स्टोरेज एक्सपांड करने के लिए। दोस्तों अगर मैं प्राइस की बात करूं तो M10 का जो बेस वेरिएंट है वो हमें मिलता है 8000 रुपीज का, और दूसरी तरफ मैं बात करूं M20 की तो M20 हमें मिलता है बेस वेरिएंट 11000 रुपए का, और बाकी वेरिएंट्स के डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में अरेंज करके डाल दिया, तो आप वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, आपको सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और दोस्तों ये फोन अगर आपको परचेस करना है तो ये फोन 5 फरवरी 2019 से ऑनलाइन अवेलेबल होने वाले थे, तो इसके 2 प्लेटफॉर्म अनाउंस किए सैमसंग ने। तो पहला प्लेटफॉर्म है अमेजॉन के थ्रू आप परचेस कर सकते हो ऑनलाइन, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास सैमसंग ऑनलाइन स्टोर। ये 2 प्लेटफॉर्म है जहां से आप परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी डिफरेंसेस समझ में आ गए रहेंगे कि आपको M10 लेना चाहिए या M20 लेना चाहिए। फिर भी मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से फोन दोनों ही अच्छे हैं। अगर आपको प्राइस बजट रेंज कम है तो आप M10 ले सकते हो, अगर आप थोड़ा सा बजट इंक्रीज करोगे तो आप M20 भी ले सकते हो, जो फ्यूचर लॉन्ग लास्टिंग होगा आपके लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों का शेयर करना, और जो लोग नए हैं उन सब्सक्राइब कीजिए हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को, हैप्पी गाइड फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा, और साथ ही के साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाए, और इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसमें मैं सारी वीडियो के अपडेट डालते रहता हूँ, पर्सनल डिटेल्स भी वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय।